अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग सीक्रेट्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार सी बाल्टी चिकन बनाने की रेसिपी। तो चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 किलो चिकन में 1 पाव दही लिया है मैंने। दही को हमने फेंट के इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट वाला भी। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर। नमक ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे हम। 1 टीस्पून जाएगी धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं डालूंगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए मैक्सिमम जितना भी आपके पास टाइम है, लेकिन मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। 1 घंटा गुजर चुका है, अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले ली है मैंने हांडी, इसमें शामिल करूँगी मैं देसी घी। और घी डालने के बाद इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था और मैंने इसको सलाद की शक्ल में काटा था। उससे ये होता है कि हमारा प्याज बहुत अच्छी तरह से गल जाता है और सालन में साबुत नज़र नहीं आएगा। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, लेकिन इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट। आप टोमेटो प्योरी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। टमाटर और प्याज अच्छी तरह भूनने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसको हम इस मसाले में शामिल करेंगे और मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे गलने के लिए तकरीबन 25 से 30 मिनट। पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया, ये दही के पानी में ही गलेगा। और ये देखें जी, हमारा चिकन गल चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, सब्ज़ धनिया जाएगा इसमें, और इसमें जाएंगी कटी हुई बारीक हरी मिर्चें। और हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार है, मज़ेदार सा बाल्टी मुर्ग तैयार है। आप लोग भी ट्राई करें, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।